हेलो दोस्तों, मैं हूं नॉन फैक्ट्स और एक बार फिर से लेकर आया हूं टाइम टेबल से जुड़ी एक सच्ची घटना। यह है एलेक्जेंडर स्मिथ, जो खुद को एक टाइम टेबल के रूप में बताता है। उसने कहा कि वह साल 2118 में गया था। जी हां, एलेक्जेंडर स्मिथ का दावा है कि वह साल 2118 में गया और उसने वहां जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। उसने एलियंस और ह्यूमन रोबोट्स रिलेशनशिप पर भी बात की और इसके सबूत भी मौजूद हैं। एलेक्जेंडर ने आखिर ऐसा क्या देखा 2118 में, चलिए जानते हैं। एपेक्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में उसने अपने टाइम ट्रेवल की पूरी घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि वो CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करता था और CIA के साथ काम करने के दौरान साल 1981 में CIA का एक एक्सपेरिमेंट था जहां उसे फ्यूचर में जाने को कहा गया था, जिसके लिए CIA ने बहुत भारी रकम दी थी ये मिशन पूरा करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके पास टाइम ट्रेवल के नाम पर एक प्रूफ भी है, जो कि एक ब्लर फोटो है जिसमें ग्रीन कलर के अजीब से शेप में बिल्डिंग दिखाई दे रही है और फ्लाइंग कार्स भी दिखाई दे रही हैं। जब उससे पूछा गया कि ये फ़ोटो ब्लर क्यों है, तो उसने कहा कि टाइम ट्रेवल की प्रोसेस की वजह से ये फ़ोटो ब्लर है। पर जब एलेक्जेंडर स्मिथ साल 2118 में गया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पाया और वहाँ एक नर्स आई और उसने कहा कि आप इतने ओड कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जबकि वहाँ सभी ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि लॉन्ग स्लीव्स एंड लॉन्ग पैंट्स। पर जब एलेक्जेंडर हॉस्पिटल के बाहर आया तो उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उसने देखा जो ह्यूमन यानी इंसान हैं उनके रोबोट्स के साथ रिलेशनशिप हैं। इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में ह्यूमन रोबोट्स रिलेशनशिप होने वाले हैं। तो क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? और एलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत से सिटीज़ या फिर कंट्री पानी के अंदर डूब जाएंगे। और ये बात सच भी है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। एलेक्जेंडर ने एलियंस के बारे में भी बात की। उसने कहा कि 21वीं सदी के बीच में एलियंस धरती पर आएंगे और उसने ये भी कहा कि वो एलियंस हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस भी होंगे। टाइम ट्रेवल मुमकिन है या नहीं, अब तो ये आने वाला कल ही बताएगा। और एलेक्जेंडर की बात कितनी सच है, ये भी आने वाला कल ही बताएगा। आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।